हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किटी देवराज चैनल। चलिए तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ अस्तर वाली जो मंगजी है वो कैसे तैयार करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अस्तर वाले सूट की कटिंग बताई थी। तो देखिए, जो मंगजी का कपड़ा है उसे आप उल्टा रखेंगे, ठीक है। जो मतलब कपड़ा है ना वो ऊपर अंदर की साइड में रहेगा और जो अस्तर है वो बाहर की साइड में रहेगा, ये ध्यान रखिए। और पहले सारे कपड़े की आप कच्ची सिलाई ले लीजिए। मैंने यहाँ मंगजी के दो टुकड़े करे हैं क्योंकि मंगजी थोड़ी बराबर नहीं थी, तो मैंने दो टुकड़े करके दोनों छोटे छोटे टुकड़ों को बराबर कर लिया है। तो मैं दो बार मंगजी बनाऊँगी, बट मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ और सेम इसी तरह आपको जो है मंगजी बना लेना है। अगर आपका कपड़ा बराबर है, कहीं से मेरे बीच में कट निकल गया तो मुझे उसके दो टुकड़े करके फिर मंगजी बनाना पड़ा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो आप जो है मंगजी जितना लास्ट कपड़ा बचा उसका पूरा आप मंगजी में यूज़ में ले सकते हैं। ये दो साइड से खुला हुआ है। अब मैं जो है इस कपड़े को सीधा कर लूँगी। देखिए, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो कपड़ा आ गया है प्योर का, और नीचे अस्तर रह गया है सीधा करने पर। अब मैं इसे एक पतंग का आकार जो अपन सॉरी पतंग नहीं है एक ट्रेंगल का आकार अपन बोल सकते हैं, या इसमें जो है एक हिस्सा जो है ऊपर की तरफ पूरा निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब अपन को देखिए इस तरह से आपको इसको जचाना है सीधा करके। ये कच्ची सिलाई है, आप इसको सिलते सिलते साथ में निकाल सकते हैं और या फिर आप पूरा सिलने के बाद भी साथ में निकाल सकते हैं। अब अपन को एक साइड से यहाँ से इसे कट कर लेना है। बिल्कुल आप आराम से इसे धीरे धीरे कट करिए, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था तो मुझे फ़ोन साइड में रख के इसे कट करना पड़ा। अब देखिए, अपन को जो है राइट साइड में से पहले कपड़ा उठाना है और उसे थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर ला के रख देना है। फिर अपन को लेफ़्ट साइड से भी कपड़ा उठाना है और उसको इसके ऊपर ला के रख देना है। फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा लगभग, अगर आप अगर ऐसे देखते हैं तो आपको 1.5 इंच लेना है और फिर उसे फोल्ड करके कटिंग करना है। तो 1.5 और 1.5, 3 इंच तक की मंगजी बन जाती है। फिर आप उसे लगभग 1 इंच तक का फोल्ड कर सकते हैं, तो 1 और 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच फोल्डिंग के लिए रह जाएगा, ठीक है। मतलब 1 इंच को आप ऐसे फोल्ड करके फिर मंगजी लगाएंगे ना, तो उस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। अगर आप फिंगर से लेते हैं तो आप दो फिंगर लेंगे और फिर उसे फोल्ड करेंगे और फिर कटिंग करेंगे, और अगर आप इंच टेप से लेते हैं तो 1.5 इंच, ठीक है। और चलिए, तो अपन इसको पहले बिल्कुल बराबर रखना है और इजीली बहुत ही आराम से मतलब धीरे धीरे कट करना है, क्योंकि अगर ये मंगजी बराबर यहाँ पर नहीं होगी तो जब आप गुना लगाएंगे तभी मंगजी बराबर नहीं होगी, और सूट पर मंगजी जब निकालेंगे तो भी मंगजी बराबर नहीं होगी, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर कटिंग करना होगा। तो एक बार आपको फोल्ड करके कटिंग करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो है आप एक के ऊपर एक रख कर कटिंग कर सकते हैं। फिर आपको फोल्ड करके फिर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स को कटिंग करना है। चलिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से एक के ऊपर एक रख के कट करना है। बिल्कुल ध्यान से अपन कट कर लेंगे। जब आप ये सारी मंगजी कट कर लें, सभी को कट कर लें, तो आप जो है इसे कैसे जोड़ेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। तो एक वाला जो ये हिस्सा होता है तिरछा, उसके साथ में आपको दूसरा जोड़ना है। देखिए, ये ऐसा है ना, तो दूसरा वाला होगा ना तो वो उस तरफ होगा, ठीक है। एक तिरछा हिस्सा नीचे आ रहा है तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है। आप उनको ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है आगे की तरफ निकाला हुआ रखेंगे, इससे जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरह से सभी को, मैं जैसे यहाँ पे आपको एक जोड़ कर बता रही हूँ, आपको सभी जितने आपने मंगजी की ये पट्टियाँ कट करी है सभी को इसी तरह से जोड़ने लाएँ, और इन जोड़ते जोड़ते जो ये सिलाई आप एक एक ले रहे हैं उसके साथ में आप जो है ये कच्चा धागा निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से अभी ये बराबर आई है। आपको सभी को इसी तरह से जोड़ लेना है, बिल्कुल आराम से ध्यान रखते हुए सभी को बिल्कुल परफेक्टली धीरे धीरे आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब जब आप सभी को जोड़ लेंगे तो ये कच्चे धागे हैं उन्हें आप निकाल लेंगे बहुत ही आराम से इस तरह से खींच कर, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलाई लें तो उन कच्चे धागों से थोड़ा नीचे की तरफ लें, जब आप इन्हें निकालेंगे तो बहुत ईजीली ये टुकड़े जो हैं निकल जाएंगे। तो आप सभी के जो है सारी सिलाई इसी तरह से, ये कच्ची सिलाई है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो है मंगजी सिलाई के साथ जुड़ चुकी है, तो अब अपन को कच्ची सिलाई रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरी मंगजी तैयार हो गई है। अब अपन को सिर्फ इसके ऊपर गुना लगाना है। तो चलिए, गुने की पट्टी भी आप बिल्कुल बराबर कट कर लें, ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी ना हो, क्योंकि अगर छोटी रहेंगी तो गुना बारीक निकलेगा या फिर गुना जो है
उसके रेसे निकल कर ख़राब हो जाएगा बारीक ज़्यादा रहने से। तो गूना भी लगभग आपको एक फिंगर से बड़ा लेना है, ठीक है, एक इंच से थोड़ा चौड़ा लेना है ताकि वो बिल्कुल बराबर आए। ये देखिए लगभग एक इंच तक की इसकी चौड़ाई है, इससे थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, पर अब पतला ज़्यादा होगा अगर गूना बारीक होगा तो फिर आपको गूना निकालने में भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह से आपको जो है इसे बिल्कुल रखना है और इसके बीच में गुने को बीच में बस सिलते रहना है। अगर आप ऐसे फर्स्ट बार कर रहे हैं या भी परफेक्ट नहीं करना जानते तो धीरे धीरे करिए। देखिए मंजी बारीक सी हो रही है और गुना भी बराबर अभी हो रहा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुर्ती और अप टू नेक्स्ट में आपको कांचली की सिलाई बताऊँगी। तो इस तरह से जो है देखिए आपको बिल्कुल धीरे से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर गुना सेट कर रही हूँ और फिर मैं जो है सिलाई ले रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बिगड़ जाता है तो फिर बाद में आप गुना निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसी तरह से पूरी मंगजी के ऊपर गुना लगा लेना है। ध्यान रहे मंगजी में सलवटें ना पड़े और आप मंगजी को ज़्यादा खींचे भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप लूज़ छोड़ते हैं तो भी उसमें सलवटें आ जाती है और टाइट खींचते हैं तो भी आ जाती है। तो मंगजी को बिल्कुल इतना आराम से रखिए कि वो खींचा हुआ भी ना रहे और ज़्यादा लूज़ भी ना रहे। इस तरह से करते करते आपको पूरा जो है ये मंगजी लगभग पट्टी जो है ये मंगजी की इतनी लंबी वो 5.5 इंच तक बनेगी और इस तरह से पूरी मंगजी जो आपको तैयार करने लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।